सर। हाँ 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 ये लीजिए। हाँ एक्टिंग। हाँ बस हो गई हो गई हो गई। हाँ यहाँ सर, यहाँ ऊपर फोटो खींच लो। हाँ सर यहाँ पे ये काम हो ही गया। ठीक है। हाँ बस थैंक यू। आज तो बात तोड़ना पड़ेगा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। वुमेन्स डे के दिन सेलिब्रेट करने के लिए एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर ऑल टुगेदर। सो एक जोरदार तालियां हो गई अनुष्का के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। लगना चाहिए हमारे कार्यक्रम में आए हैं चैरिटेबल फाउंडेशन के। मैं समस्त पदाधिकारी जो हमारे मून चैरिटेबल फाउंडेशन के हैं उनसे निवेदन करता हूं कि मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला मैडम, आप यहाँ पधारी, हम सब अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। अनुष्का जी शॉल उड़ा रही हैं रजनी मैडम को। सम्मान चिन्ह देते हुए पूरी मून चैरिटेबल फाउंडेशन की टीम एक साथ, यही वो टीम है जो पूरे प्रयास पूरे अथक परिश्रम के साथ आज के इस कार्यक्रम को सफल बना रही है। धन्यवाद मैडम, प्लीज दान ग्रहण करें। हमारी पूरी मून चैरिटेबल फाउंडेशन की टीम की ओर से सम्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ शॉल उड़ाते हुए मून चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आप यहाँ पधारी, आपने आपका कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैडम। स्थान ग्रहण करें मैडम। दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व जो मुख्य अतिथि हैं सभी मान्यवर एक साथ मंच पे नन्ही बच्ची जेजल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, सर, ये हमारे भारत की बच्ची है जिसको सभी भारतवासियों से ढेर सारा प्यार मिल रहा है। एक बार इसके लिए हम लोग पूरे साहस से और जोश से बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वो फोटो मार के चले जा रहे, बोलने को नहीं, रुकने को नहीं बोल सकते यार। देखिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों की तालियां बजानी है हमारे अतिथियों का और हमारे सभी आज जो है उपस्थित हमारे जितने भी अतिथि हैं सबका सम्मान करना है, सत्कार करना है। मून चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से एक बहुत ही अच्छा कदम है, हम सबके समक्ष एक ऐसा पल है ये। बहुत बहुत बढ़िया, तालियां बजाए जोरदार, सत्कार हो रहा है मुंबई पुलिस की, हमारी बहनों का, हमारी माताओं का। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हो गया काम। भाई सेंटर हो गया काम। मैं रजनी मैडम से निवेदन करूंगा, दीपिका जी भी हमारे बीच में, दीपिका श्रीवास्तव जी विजुअल हो गया अपना काम, ओटीटी फिल्मों की प्रोड्यूसर रही है, कई अच्छी फिल्में बनाएंगे, इनका सत्कार करें। भारत माता की। मेरा सामने मौसम है।
मैडम इधर इधर आप बीच में आ जाओ जरा भारत माता की भारत माता की जय हिंद। देखिए मैम महिलाएं किसी भी हाल में पुरुष से पीछे नहीं है, बेशक कई जगह आगे हैं। मैं तो कहूँगा हमारे देश में प्रधानमंत्री भी महिला बनी है, हमारे देश में राष्ट्रपति भी महिला है, हमारे देश में कला क्षेत्र में भी कई भारत रत्न हैं, जिसमें लता जी हैं, सुब्बलक्ष्मी जी हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में ये सम्मान सबको मिला है। मतलब सर्वोच्च सम्मान जो देश का है वो महिलाओं ने प्राप्त किया है, और यूं ही नहीं प्राप्त कर लिया, मेहनत करके प्राप्त किया है। तो हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए। बेशक हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ का सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। हर महिला का सम्मान करिए, क्योंकि महिला ही है जो पुरुष को जन्म देती है। सबसे पहली जो ईश्वर है इस पृथ्वी पर वो माँ है, उसके बाद दूसरे ईश्वर का ज्ञान हमें होता है। पहला ज्ञान जो है वो माँ का ही है, क्योंकि पहला जो संबंध स्थापित होता है इस शरीर का वो माँ से होता है। इसलिए माँ है जो प्रथम ईश्वर है, उनको हमेशा नमन करिए और आदर करिए। अनुज जी, मून फाउंडेशन के इस प्रोग्राम के दौरान आपको महिलाओं का सम्मान करने का मौका मिला, ये कितना प्राउड फील करते हैं? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं हमेशा अपने माँ से कुछ सीखता रहा हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत अच्छा तबला प्लेयर, बहुत अच्छी सितार प्लेयर, वायलिन भी बजाती थी, और बहुत अच्छा कथक नृत्य करती थी। तो हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो जब कहीं महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ, जैसे आज मैं आ गया। वाह वाह जी, तेरा धन्यवाद। बस भाई, आज बहुत बड़ा दिन है, वुमेंस डे है, और आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं बहुत भी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी, मीडिया कर्मियों का भी। महिला डे मेरी नज़र में महिला डे के साथ साथ महिला शक्ति डे है। ये अगर महिलाएं नहीं होती तो ये दुनिया में हम लोग भी नहीं आते। तो इनका तो जितना सम्मान किया जाए कम है। वैसे भी कहा जाता है कि हर मर्द की जो सक्सेस है उसमें औरत होती है, तो औरत माँ का भी रूप है, बहन का भी रूप है, बीवी का भी रूप है, दोस्त का भी रूप है। तो महिला दिवस मेरे हिसाब से तो रोज़ ही मनाना चाहिए इंसान को, मगर फिर भी जो 8 मार्च को हम लोग ये जो दिन मनाते हैं, ये सबके लिए बहुत गर्व का दिन है। नमस्कार, थैंक यू। महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो आज हम सारे 48 इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो महिला का सम्मान हमेशा रोज ही करना चाहिए। आज ही के दिन नहीं करना चाहिए, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि आज दुनिया में हर जगह में, जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला हो चुकी है और प्रधानमंत्री भी महिला हो चुकी है, तो हम भारतीयों को तो उसके लिए गर्व है। तो अभी अनुप जी ने बताते समय बताया कि वो जेलर भी किरण बेदी जी थी, तो हम लोग तो हर क्षेत्र में आगे ही है। तो आज मुझे गर्व महसूस होता है कि हम महिलाएं हम हर एक क्षेत्र में काम करें। वैसे ही हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा टफ जॉब होता है, वहाँ पे हम लोग 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, कि जो काम होते हैं कि हम रात को हो, कभी भी हो, हॉस्पिटल जाना हो, एक्सीडेंट है, और अलग अलग केसेस कि कोई चोरी हुए उसके उनको पकड़ना है, तो हम कभी ऐसे पीछे नहीं हटते, हम दब के पुरुष के बराबर से काम करते हैं। तो हमें तो ये सम्मान मिलना चाहिए ही, और हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि हम महिला है तो हमको कुछ हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो हमें गर्व है इस बात के लिए। पहले के समय की बात करें, जब महिलाएं घर में रहकर सिर्फ घर को देखती थी, लेकिन आज हर क्षेत्र में महिला सबसे आगे नजर आती है, तो क्या लगता है कितना कुछ चैलेंज है जो फेस करना पड़ता है अभी भी महिलाओं को? एक बात ऐसे कि हम लेडीज जो होती है, महिला होती है, वो लगन उनके अंदर बहुत होती है, तो वो कोई भी काम अगर उनको दिया जाता है तो लगन से करती, तो वो डेडिकेटली करती कि ये काम मुझे दिया है, वो डेडिकेटली मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए ऐसा है कि महिला हर क्षेत्र में आगे। पुराने ज़माने में भी महिलाओं का, देखो आपने कहा कि पहले ज़माने और अभी के ज़माने में, अभी यही है कि हम खुल के आगे आके काम कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि घर संभालने वाली कौन है, तो महिला है, तो आपको देखना चाहिए कि उस घर का बेटा
बड़ा जाके बड़ा बनता है तो वो किसके वजह से, उसने अपने माँ की वजह से, क्योंकि उसकी मदर ही उसको स्कूल भेजती है, आगे का उसका करियर डिसाइड करती है। तो हर जगह में हर जो यशस्वी व्यक्ति है उसके पीछे होती है कौन, महिला ही, उनकी माँ होती है, घर की जो लेडीज होती है वही होती है। इसके लिए हम कभी मिस, पुराने जमाने में ऐसे थे, लेकिन आपने देखा रहेगा रानी लक्ष्मीबाई थी, वो भी लड़ी थी, तो ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन बस अभी ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी वाला वो है, उसमें हम महिलाएं लगन से पढ़ती हैं और पुरुषों से भी आगे दिख रही है। मैम, वुमेंस डे के लिए महिलाओं को एज अ मुंबई पुलिस होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वुमेंस होने के नाते मैं ये बोलूँगी हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ जगह है वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार होता है, तो हम ये चाहेंगे कि हम उस पोर्शन को भी जाके एक जो समाज का अलग अलग श्रेणी है वो श्रेणी में, एक श्रेणी में वहाँ पे लेडीज़ को अभी तक उतना सा स्कोप नहीं मिल पा रहा है, तो हम चाहते कि उनके लिए हम अलर्टनेस करें कि अभी जैसे स्कूल है तो हमारी जो निर्भया पथक है, हम लोग ने एक निर्भया पथक बना के रखा है, तो निर्भया पथक वाले हमारे स्कूल में जाते हैं और बच्चे लोगों जो गर्ल्स है, बॉयज़ है, जो छोटे उम्र से, उनको हम बताते कि बैड टच गुड टच क्या होता है, तो ये जो है उनको अलर्टनेस ला रहे हैं वो हम लोग लाने का काम करते हैं। बीइंग अ पुलिस हमको ये सब करना है, तो आजकल ये बहुत सारा हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम अलर्ट है अभी ज़्यादा। हाय गाइस, आई एम जोयता चैटर्जी, आई एम एन एक्टर। आपने मुझे देखा होगा बालवीर में, क्लास ऑफ 2020 वाज माय लास्ट शो विद रोहन मेहरा, एंड नाउ क्लास ऑफ 2020 सीजन 2 इज कमिंग। आज वुमेंस डे के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर पुलिस वाले हो, एक्टर हो, डॉक्टर हो, सभी का सम्मान किया गया है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, दुर्गापुर बोल के, इट्स नियर कोलकाता। तो हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, तब पता था वुमेंस डे होता है, बट आज जैसे सेलिब्रेट हो रहा है आफ्टर 10-15 ईयर्स, वैसे नहीं होता था। मतलब क्या, इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। और जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो समटाइम्स ये बताना ज़रूरी है कि हम उस इंसान से प्यार करते हैं, वो हमारे मॉम डैड भाई बहन कोई भी हो। वैसे अगर कोई डे भी है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर और भी स्ट्रेंथ आगे बढ़े। तो इसके लिए आज जैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें पता है वी आर वुमेंस एंड वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग, बट एक दिन के सेलिब्रेशन से ना वो चीज़ का लेंथ कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट वुमेंस डे। वुमेन चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस प्रोग्राम के बारे में ही पता था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ऐसा प्रोग्राम होता रहता है हर साल वुमेंस डे, बट आज यहाँ पे सेलिब्रेशन वॉज इन अ बिगर लेवल। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आके, आई एम वेरी एक्साइटेड। और हम लोग आज मोस्टली इंडियंस में सजे हैं लाइक अ प्रॉपर इंडियन वुमेन, सो बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और आज के लाइक एनजीओ के प्रेसिडेंट अनुष्का दास ने मुझे इन्वाइट किया है, थैंक यू बोलना चाहिए। हैप्पी वुमेंस डे, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि वुमेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं खुद एक लेडी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मोनिका जेकब, जो स्किन केयर, हेयर केयर, वेट लॉस, बॉडी कॉन्टूरिंग में डील करती हूँ, जो सब औरतों को जरूरत है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और एक खुद को अपने आप को मेंटेन करने के लिए। बिकॉज हेल्थ खाली जितना चिकना नहीं होता, इट्स इंटरनल हेल्थ विच इज सीन अपसाइड। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, सबके लिए करती है, अपना छोड़ के सबका ख्याल रखती है। आपको अवार्ड भी मिला है, क्या कहना चाहूँगी? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्किन केयर, हेयर केयर ये अफोर्डेबल हो, सबके लिए, सब इसको अफोर्ड कर सके। एक बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ कैसे अपने आप को मेंटेन कर सके। तो अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे मेरे, तो मैं बहुत ऐसे वीडियोज बनाती हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए। और खुद से प्यार करो, एक्सरसाइज करो, खुद की स्किन पे ध्यान दो और खुद के ऊपर। ओके मैम, थैंक यू। सब दुनिया में सभी वुमेंस के लिए वेरी हैप्पी वुमेंस डे। गॉड ब्लेस योर हेल्थ और कहाँ से आए हैं, क्या बिलोंग करते हैं?
Happy Women's Day, Women's Day. सब है इंडिया में, everything is women. तो मेरे घर पे मेरे माँ वुमन से, मेरे वाइफ वुमन से, लड़की भी अभी वुमन हुई है. तो हैप्पी वुमन्स डे. मैं स्वीटी वालिया, आप लोगों की चाहिए कमी. हाय, मैं हूँ स्वीटी वालिया, आप सबकी चहेती पम्मी फ्रॉम ये है मोहब्बतें. और ये हैं डॉक्टर पूर्वी, शी इज़ अ कंसल्टेंट एट धीरूभाई अम्बानी हॉस्पिटल. और आज हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा फील हो रहा है. सुबह से सिर्फ लोग विश कर रहे थे हैप्पी वुमेंस डे, लेकिन ये जो मिला है ना हमें, आई थिंक ये असली हमारा रिवॉर्ड है, अवार्ड है. सो आई थिंक मच पावर जितनी भी महिलाएँ ये प्रोग्राम देख रही हैं. और एब्सोल्युटली आई थिंक आज का दिन ही नहीं, एवरी डे इज़ वुमेंस डे. एंड इस टाइम का जो वुमेंस डे है, इट्स अबाउट इक्विटी, एम्ब्रेसिंग इक्विटी. मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर लेवल से ही स्टार्ट करो. वेयर एवर यू आर, बिगिन देयर एंड एक्सेल इन व्हाट यू आर डूइंग. That is embracing equity. So happy Women's Day to everyone. More power to every single woman, चाहे वो village में हो, city में हो, जहाँ पे भी हो, जहाँ हो वहाँ से शुरू करे और आगे बढ़े. Thank you. Yeah. एक्चुअली हमारा जो ट्रस्ट है ये मेनली बच्चे और औरतों के लिए, हमारे पूरे संगठन है भाइयों की, हम लोग मोस्टली उनके लिए काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके लिए और अच्छा करें और अच्छा करें. तो ये आज का दिन उनके लिए, सारे वुमेन्स, सारे औरतों के लिए इस दुनिया में. तो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि हम कुछ करके थोड़ा बहुत उनको सम्मानित करें, क्योंकि वो घर घर जाके इतने लोगों की सेवा करके इतना दिन काटते हैं, तो हमें थोड़ा लगा कि उन्हें हमें सम्मानित करना चाहिए, इसलिए हमने शुरू किया. पुलिस वालों को भी आपने यहाँ पे सम्मानित किया, पुलिस डिपार्टमेंट, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये सोच आई आपके अंदर और आपने पुलिस वालों को यहाँ पे खास करके बुलाया? वो तो सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, और हमारे लिए रात दिन जाग के वो लोग, मैडम इतना हम सेफ फील करते हैं जब लेडीज़ है बॉम्बे शहर में, हम लोग ड्रेसिंग होते हैं, रात को घूमते हैं, तो हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं कि हमारे पुलिस वाले इतने, वुमेन पुलिस इतने सपोर्ट करते हैं. अच्छे हैं. अभी तो छोटे छोटे हम लोग इवेंट्स बहुत कर रहे हैं, और आगे सपोर्ट रहेगी तो और भी आगे अच्छे करेंगे. कुछ और एनजीओस के साथ हम लोग कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, जैसे मलाड में प्रेम सदन करके एक एनजीओ है, जहाँ पे अभी रिसेंटली मून ने विजिट किया था. यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? हाँ, वो एक अनाथालय था, तो वो लोग सब लोग वहाँ पर बच्चे आके रहते हैं, तो हमें कुछ स्वेटर्स के लिए उन्होंने बोला था. तो जैसे देखभाल करने के लिए अनाथ बच्चों को कोई नहीं है, तो वो लोग देखभाल करते हैं. कोलैबोरेटिव हमने कई सारी जगह पे और भी काम किए. यहाँ पीछे लोकनवाला बैक रोड पे भी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने बुक्स बांटे थे बच्चों को, तो जितना हो पाता है, क्योंकि फंड्स तो हम अपने से ही कई फ्रेंड्स से लेके करते हैं, और आगे जैसे जैसे बड़ा होगा तो वी आर थिंकिंग कि हम बॉम्बे में तो कम से कम अच्छा एक बड़ा एनजीओ हो जाए. मैं तो सोचती हूँ, बस मैं तो एक सेवाधारी हूँ, मैं एक जरिया हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी और कुछ भी लेके जाऊँगी. तो बचपन से मेरे घर में ही देखा गया कि कोई 2 बजे भी आए, अगर मम्मी के पास खाना भी नहीं होते, क्योंकि फिर वो हॉस्पिटल आए, कुछ भी आए, तो हम लोग सेवा करते रहे. तो हमारी फैमिली ट्रेडिशन ही यही है, तो मुझे अच्छा लगता है सेवा करना, ये मेरा धर्म है, तो मुझे बहुत ही दिल से अच्छा लगता है सेवा करना. एक्चुअली ट्रेडिशन के साथ में खड़ा होने का जस्ट सपोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ अनुष्का जी. एंड राइट नाउ वी आर थिंकिंग टू सपोर्ट द विक्टिम्स हु इज अ रेपिस्ट, गर्ल्स एंड एवरीथिंग. वी आर ट्राइंग टू फाइट फॉर देम, व्हेवर रेपिस्ट विक्टिम्स आर देयर. सो इट्स नॉट नेसेसरी, इट शुड बी वुमन. इट्स इफ मैन्स आल्सो देयर, इवन दे आर कमिंग इन द प्रॉब्लम.
सर वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट फॉर देम। और मैं बहुत बहुत बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको और भी उच्च लेवल पे करेंगे। सेवा करने का मौका मिला है तो करेंगे हम अच्छा खासा ऐसा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज वुमेंस डे है, शायद आप सबको पता है फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि क्योंकि एक भारत में ऐसा है जहाँ पे हम मर्द के आगे औरत को रखते हैं और उनको एज अ देवी पूजा करते हैं। और हमारे घर पे भी यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सबको पता होगा कि थोड़े ना थोड़े आप लोग अपने वाइफ से डरते हो। तो एक इंडिया ऐसा कंट्री है, आई हैव ट्रेवल्ड 30 countries बट मैंने कोई भी देश में ये चीज़ नहीं देखा जहाँ पे मर्द के आगे औरत को रखा जाता है। सो इंडिया सिर्फ ऐसी कंट्री है तो वी शुड सेलिब्रेट टुडे। हैप्पी वुमेंस डे। यस एवरीवन हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। चलो 1 2 3 हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू सो। देखिए ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम आज हम सब ने यहाँ देखा है, इस तरीके के और कार्यक्रमों की हमको आवश्यकता क्यों है? सबको अच्छी पत्नी चाहिए, सबको अपनी माँ का लाड़ प्यार चाहिए, ठीक है, सबको ऐसी बहन चाहिए जिस जो उनको राखी बांधे। लेकिन जिस समय संतान होने की बारी आती है तो सबको बेटा चाहिए। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को तोड़ना, हमें समय के साथ ग्रो होना है। आज अनूप जी जो स्टेज पे बोल रहे थे कि भाई अपनी माँ का सम्मान आप करते हो अच्छी बात है, लेकिन आज से संकल्प लें कि अब आप दूसरों की माँओं का भी वैसे ही सम्मान करेंगे जैसे अपनी माँ का सम्मान करते हैं। यानी यही हमारे भारतीय संस्कार हैं और क्या है। अगर हमने दूसरे की माँ को अपनी माँ समझना प्रारंभ कर दिया एक ही मान सम्मान वाली दृष्टि से प्रत्येक महिला को देखना शुरू कर दिया तो कहीं किसी तरह की कोई अपराध के लिए, कोई क्राइम के लिए कहीं कोई जगह रही नहीं जाती है। आज के कार्यक्रम का जो पूरा सार है वो यही है। हम लोगों ने आत्मीयता देखी, शुद्धि देखी, एक अच्छी भावना देखी और यही हम चाहते हैं कि हर जगह देखने को मिले, पूरे देश में देखने को मिले, पूरा देश गर्वान्वित हो, विश्व गर्वान्वित हो भारत को देख के। यही है मेनली मैम। तो मून फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया, कैसे देखते हैं आप, इतना अच्छा लगा और आप इसके साथ जुड़े हुए? जी ऐसा है कि समाज कल्याण के, समाज के हित के किसी भी तरह के किसी भी कार्यक्रम में जब भी कहीं हमें आमंत्रित किया जाता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि वहाँ निश्चित रूप से पहुँच के अपना योगदान दिया जाए। अनुष्का जी जो इसमें मून फाउंडेशन में जो इसकी अनुष्का जी हैं, मारिया जी हैं, ये लोग मेरे लिए बहन की तरह हैं। इन्होंने मुझे बोला कि आपको आना है तो मैं यहाँ आया और आने के बाद में कह तो आती थी नहीं आया क्योंकि मुझे पता था कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये हमारा कार्यक्रम हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए है। तो यहाँ आते कुर्सियों की व्यवस्था हो, पानी हो, सारी चीज़ें इन्होंने सब मंगवा के रखी थी। लेकिन मेरा ये एक मन का भाव था कि आज इस स्थान को हम मंदिर की तरह देखें, एक श्रद्धा स्थान की तरह देखें और एक प्रत्येक महिला जो यहाँ है अगर हम सम्मानित कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं उनका, तो हृदय से वो भाव भी हमारे आए कि हम उसको सच में उस भावना से कर रहे हैं, वो करने का प्रयास किए। धन्यवाद। ये भारत की संस्कृति और संस्कार ही था कि जहाँ भारत में नारी को बारे में अपने वेदों में लिखा गया है कि जहाँ पे नारी की पूजा होगी वहाँ पे देवताओं का वास होता है। अगर किसी को धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए तो किसकी पूजा करते हैं? माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर किसी को शक्ति चाहिए, शक्ति की आराधना करना है तो माँ दुर्गा की पूजा अपने देश में होती है। अगर ज्ञान, विज्ञान, नॉलेज कि अगर बात करें, किसी की अगर पूजा होती है तो माँ सरस्वती की होती है। अगर उग्र रूप मात्र शक्ति ने रख लिया तो क्या बोलते हैं? काली की पूजा होती है। तो ये हमारे देश की संस्कृति रही है। आज हमारे देश के संविधान में नगर पालिकाओं में 50% का आरक्षण है, विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण है। लेकिन सिर्फ आरक्षण से या कानून बनाने से महिलाओं को आज़ादी मिलती नहीं है। आज हमारी बहनें अनेक क्षेत्र में, चाहे सिक्योरिटी की क्षेत्र हो, चाहे आउटर बॉर्डर की सिक्योरिटी हो, चाहे आकाश की सिक्योरिटी या पानी की सिक्योरिटी हो, या इंटरनल जैसे सालुखेताई जैसी हमारी बहन यहाँ पर हैं,
जो इंटरनल में अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने देश की, अपने जमीन की, अपने लॉ एंड ऑर्डर की, अपने लोगों की सुरक्षा में लगी हुई है। तो हमारी बहनें किसी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन फिर मैं वही बोलता हूँ, क्योंकि संस्कार और हमारी संस्कृति, हम कौन हैं, हमारी क्या संस्कृति है, हमारे संस्कार क्या है। क्योंकि जब हमारे बहनें निकले, हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति घर से काम के लिए निकलती है, तो रास्ते में सुरक्षित है क्या, ट्रेन में सुरक्षित है क्या, जहां वर्किंग, जिस वर्किंग प्लेस पे काम करती है वहां पे वो सुरक्षित है क्या। तो एक तो कैसा है कि हमको मेंटली लगना चाहिए कि जो सरकार है हमारे लिए कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रही है, उसके लिए कानून है। दूसरा क्या है, क्योंकि हमको संस्कार डेवलप करना पड़ेगा। संस्कार कौन, क्योंकि मातृशक्ति जो होती है वो सृजन की देवी होती है, वहीं पे सृजन, और वही सृजन अगर हिंदी नहीं समझ में आए तो निर्माण की देवी बोले, वहाँ पे निर्माण होता है। जब निर्माण होता है तो अगर कोई, अगर बच्चा है, कोई अगर अपनी बहन को नहीं छेड़ता, अपनी माँ को नहीं छेड़ता, तो दूसरे की बहन और दूसरे की माँ को भी माँ समझे और बहन समझे, ये संस्कार भी डेवलप करने की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे पे तो है, पुरुषों पे, लेकिन हमसे ज़्यादा आप पे है। जब हम ये संस्कार डेवलप कर पाएंगे कि जो बच्चे हैं वो बच्चे दूसरे की बहन को बहन समझे, दूसरे की माँ को माँ समझे, तब जाके सही मायने में मुझे लगता है कि वुमेंस डे वो रास्ते पे भी सेफ होगा, बस में भी सेफ होगा, वर्किंग प्लेस में भी सेफ होगा और ट्रेन में भी सेफ होगा। साथ ही साथ अच्छे लोग हैं, तो मुझे अजीब लगता था कि लोग अपनी बेटी को तो बेटी मानते हैं, लेकिन दूसरी की बेटी जब बहू बन के आ जाती है और उसको दहेज के लिए अन्य किसी कारण से जब जला दिया जाता है, मैं बेचैन हो जाता हूँ, आप सब लोग भी बेचैन हो सकती हैं। लेकिन उस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है कि अगर मेरी बेटी की 10 गलती माफ है तो बहू भी, वो तो बेटी है ना, वो किसके भरोसे आती है। और कहीं ना कहीं जो पुरुष है उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस घर में 20 साल 25 साल वो बेटी पली है, बड़ी है, लाड़ प्यार में बड़ी हुई है, वो किसी एक के भरोसे आती है, अपने पति के भरोसे आती है, विश्वास करके कम से कम उसने तो साथ में खड़ा रहना चाहिए। और वो साथ में खड़ा रहता है और साथ में उसकी जो माँ है, माँ स्वरूपा जो सासू है, अगर वो साथ में खड़ी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में दहेज के लिए किसी बेटियों को जलाया जाएगा। और आज अनुष्का जी, आपको मैं फिर से अभिनंदन देता हूँ कि आपने विपरीत परिस्थिति में, मुझे पता है कि जो समाज के लिए आपने काम किया है, समाज को जागृत करने के लिए आपकी टीम ने जो काम किया है, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज के माध्यम से जो यहाँ पर मौजूद है, एक संकल्प लेंगे कि हम चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हम उसको बहन है तो बहन की नज़र से ही देखेंगे, माँ है तो माँ की नज़र से ही देखेंगे। मुझे लगता है कि आज के इस वुमेंस डे पे आना हम सब लोगों का सार्थक हुआ, और इसी अपेक्षा के साथ में आप सब लोग मुझे बुलाए, मेरा सत्कार किए, बोलने का मौका दिए, उसके लिए मैं आप सब लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।